असलम वेलकम टू जी एफ एक्स मैं आपका टीचर इमरान और आज एक और आफ्टर इफेक्ट्स की क्लास जिसमें मैं ये बताने वाला हूं कि अब आपने अब तक के जितनी एनिमेशन बनाई है उसको वीडियो में कैसे एक्सपोर्ट करना है तो आइए स्टार्ट करते हैं वेलकम बैक सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास ये मैंने वही वाली बटरफ्लाइज वाली एनिमेशन रखी हुई है और जो पिछली क्लास में हमने देखी थी यहाँ पे एक नहीं इस बार तीन बटरफ्लाइज हैं और मैं इनको रेंडर करना चाह रहा हूँ ताकि इसको कहीं पर भी यूज़ किया जा सके सो so, सिंपली एक तरीके का तो ये है कि आप यहाँ से कॉम्पोजिशन पे जाएं, एड टू रेंडर क्यू करें या कंट्रोल एम प्रेस कर दें कंट्रोल एम बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रीमियर में हम किया करते थे ठीक है तो आप यहां से भी क्लिक कर सकते हैं कंट्रोल एम प्रेस कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आफ्टर इफेक्ट्स में आ, हमारे पास बहुत कम ही ऑप्शंस रह गए हैं अगर सी एस सिक्स की बात की जाए तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते थे बहरहाल पहले तो ये चीज़ समझ लें कि जहाँ पर यह बेस्ट सेटिंग्स लिखा हुआ है इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास बेस्ट ड्राफ्ट या वायर फ्रेम समटाइम्स प्रीव्यू के लिए हम बहुत छोटा सा क्वालिटी का रेंडर करना चाहते हैं तो ये उसके लिए दिया हुआ है बहरहाल कीप इट ऑन बेस्ट रेजोल्यूशन ऑन फुल ठीक है क्योंकि अगर आप हाफ करेंगे तो ये वीडियो छोटी बने बनेगी और क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी सो बेहतर है कि इसको बेस्ट इसको फुल एंड ओके देन यहां पर नीचे आ जाए आपके पास लॉसलेस लिखा हुआ आ रहा है और यहां से आप अपना सर्च कर सकते हैं जो भी ऑप्शंस आपको चाहिए लाइक like, क्विक टाइम में आपको चाहिए या पी एन जी सीक्वेंस चाहिए या जेपैक सीक्वेंस चाहिए अनफॉर्चुनेटली आफ्टर इफेक्ट्स के नए वर्जनज में हमारे पास एच डॉट टू सिक्स फोर या एमपैक फोर वगैरह के ऑप्शन अब मौजूद नहीं है यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ हाइस्ट क्वालिटी का लॉसलेस रेंडर निकाल सकते हैं लेकिन अगर आपको ऐसे ही रेंडर करना है कर लें मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताना चाहूँगा मैं सिंपली इसको ए में रेंडर कर रहा हूँ और मैं डेस्कटॉप पर इसकी फाइल सेव कर रहा हूँ बी यू डबल टी आर बटर विट के नाम से मैं ए रेंडर कर रहा हूँ रेंडर करें और दिस विल टेक अ लिल टाइम यहाँ से रेंडर मैंने जैसे ही प्रेस किया ये बहुत स्पीड में वैसे तो कर रहा है क्योंकि ये बहुत छोटी सी एनिमेशन है इसमें इतना ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर्स कंप्यूटर के यूज़ नहीं होते इसलिए बहुत जल्दी रेंडर हो रहा है सो so, अगर जितने ज़्यादा इफेक्ट्स होंगे या जितने ज़्यादा लेयर्स होंगी और जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमेशन होगी उतना ज़्यादा टाइम लेगा ये वाली वीडियो रेंडर हो चुकी है एंड टू योर सरप्राइज इसका फाइल साइज देखें और आपको लगेगा झटका वन पॉइंट फोर फोर जी बी वाओ दस सेकेंड की वीडियो और इतना बड़ा साइज वेल अब इतनी बड़ी फाइल तो हमें नहीं चाहिए होती लिहाजा हम क्या कर सकते हैं देखें आफ्टर इफेक्ट सी ए सिक्स तक में आपके पास यहीं पर जहां पर ये लॉसलेस लिखा हुआ था मैं दोबारा आपको बता दूं जैसे मैं कंट्रोल एम करता हूं यहां पर ये यह लॉसलेस लिखा हुआ रहा है आफ्टर इफेक्ट सी ए सिक्स में आपके पास यहां पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे उनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे एच डॉट टू सिक्स फोर या एम्पैक्ट फोर आप बहुत ही कंप्रेस्ड क्वालिटी और इवन फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर के आप बता सकते हैं कि जी उसकी कंप्रेशन कितना रखना है लेकिन अब जब आप आफ्टर इफेक्ट सी सी की बात करें तो इसमें से इन्होंने ये पुरा, पुराने वाले ऑप्शन सारे हटा दिए हैं अब हो ये रहा है कि यार अगर आपको रेंडर करना ही है और कंप्रेस करना है तो यू नीड टू इंस्टॉल मीडिया इनकोडर अगर आप यहाँ कॉम्पोजिशन में आएँ और यहाँ से एड टू रेंडर क्यू के ऊपर देखें तो ऐड टू मीडिया इनको क्यू हमें यह करना पड़ेगा सो so, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आपका मीडिया इनकोडर स्टार्ट हो जाएगा मेक श्योर कि आपके पास जो आफ्टर फैक्स का वर्जन इंस्टॉल्ड है उसी वर्जन का मीडिया इनकोडर भी इंस्टॉल्ड हो मीडिया इनकोडर आपको वेबसाइट से मिल जाएगा डोबी की See, ये आपका है यहां पे ऐड हो गया अब आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या फॉर्मेट में आपको सेव करना है so, की बात कर रहे हैं जैसे हम प्रीमियर में किया करते थे यस एग्जैक्टली ये कर सकते हैं 4 में कर सकते हैं uh, यहां से आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एग्जैक्टली exactly वही वाला पैनल खुल जाएगा जो प्रीमियर में खुलता था ये आ गया आपके पास वही वाला पैनल एंड यहाँ से आपके पास फिर वही सारी चीजें हैं आउटपुट नेम आप बताना चाह रहे हैं डेस्कटॉप पे मैं आ, बटर कंप्रेस्ड के नाम से सेव कर रहा हूँ एमपैक्ट फोर फाइल बनेगी आपकी एंड नीचे आ जाए तो आपके पास वही सारे ऑप्शंस जो कि प्रीमियर में मैंने आपको बताए थे तो मैं इसको भी वी बी आर वन पास में ही कर रहा हूँ ठीक है एंड यहां से यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी कर दें इसको ओके okay करें एंड दैट्स इट यहां पर आकर के आपने करना है प्ले पे क्लिक ये छोटा सा ग्रीन बटन आपको दिख रहा है इस पर आपने क्लिक करना है प्ले दैट मीन्स कि ये अब आपकी रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट मीडिया एंड कोडर कि ये बैकग्राउंड में रेंडर कर रहा होता है अगर आपकी बड़ी फाइल है रेंडर होने की तो उसको मिनिमाइज़ करें और आप अपने आफ्टर इफेक्ट्स में मजीद आगे काम करना चाहें तो कर सकते हैं दैट्स नो इशू ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा ये बैकग्राउंड में ही रेंडर कर रहा होगा ये हो गया डन और इसको मैं बंद कर रहा हूं मिनिमाइज कर करें इसको ये रही आपकी आई थिंक ये वाली पहले थी और ये वाली फाइल है यस बटर कंप्रेस इसको जरा अगर फाइल साइज को चेक करें तो ये बनिए सिक्स पॉइंट एट वन एम बी दिस इज परफेक्टली फाइन और इसको क्वालिटी प्ले करके देखें बेस्ट Now, एक चीज और आप लोगों को मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में मेरे फेस के ऊपर बटरफ्लाई चल रही थी वो मैंने ट्रांसपेरेंट रेंडर की थी अब वो ट्रांसपेरेंट रेंडर किस तरह से होगी वो अगली क्लास में मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा आई बिलीव आप लोगों को यहां तक कि समझ में आया होगा और ये क्लास भी पसंद आई होगी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो थैंक यू